पिक्चर आ जाना चाहिए, मुझे मूवी करना चाहिए, ये माइंड में आ रहा है कुछ कुछ भी? ये गई जान के रंग तो लहंगा तू हर के रंग तो चूलिया के करा से खेला में तू होलिया गे जान। जो आपके जैसे लाखों करोड़ों लोग चाहते हैं कि मेरे को बंसीधर बनना है, बंसीधर चौधरी बनना है, सिंगर बनना है, इनके जैसे सब कुछ करना है, तो उन सिंगर को लेकर क्या कहना चाहेंगे? तो गाइस पूरे मिथिलांचल में नहीं, पूरे बिहार में नहीं, पूरे इंडिया में अभी डीजे पर तहलका मचाता है, तो मेरे को नाम बोलने का जरूरत ही नहीं है। तो हेलो गाइस, बस कैसे देखिएगा काल बा कैसन बारू केम छू केम छो, आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। तो देख सकते हो मेरे साथ कौन बैठा है। तो सबसे पहले आपको विष्णु बिहारी यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। जी नमस्ते प्रणाम, आप सब जितने भी विष्णु बिहारी चैनल से हमको देख रहे हैं सबको प्रणाम। तो मैं सबसे पहला क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि आपके माइंड में कैसा है कि सिंगर बनना चाहिए? वो तो पहले चल रहा था तो बन गया। नहीं फिर भी कितने मतलब 4-5 साल स्ट्रगल किए, तो वो कहानी बताना चाहेंगे तो जो आपका जो अभी फैन है तो जानना चाहेंगे। जी तो सबसे बड़ा होता है कि अभ्यास, सोच ना। हाँ तो जो सोच रखते हैं करने का ठान लेते हैं तो कर लेते हैं। सही है। तो मतलब उस टाइम में अपने मतलब नहीं हुआ करता था यूट्यूब उतने बराबर, स्टूडियो भी नहीं हुआ करता, तो आप कहाँ कहाँ जाके गाते थे, क्या करते थे, क्या स्ट्रगल किए, क्या मेहनत किए जो अभी इस मुकाम का हासिल करके रखे हो, तो वो थोड़ा बताना चाहेंगे तो मजा आएगा, मैं सुनना चाहता हूँ। हाँ वो तो बात है कि उस समय इधर उतना स्टूडियो नहीं था, यूट्यूब भी नहीं था, कैसेट का जमाना था, तो हम सब को बहुत दूर जाना पड़ता था रिकॉर्डिंग के लिए। ये छपरा सिवन अलबेला म्यूजिक नाम करके स्टूडियो है। वो अमरेंद्र जी मेरे परम गुरु जी हैं, उन्होंने गवाए शुरू से और वहीं से गवा कर सिखाए हैं। तो आज अब हर जगह स्टूडियो खुल गए, गांव घर 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 बगल में बगल खुल गए, तो कहीं से भी गा लेते हैं तो गाते रहते हैं। तो ऐसा आपका कौन सा पहला गाना था जो तहलका मचा दिया, उनसे आपको काफी लोग जानना पहचानना शुरू कर दिया कि ये बंसी भैया है, बंसीधर चौधरी का गाना बज रहा है, तो कौन सा पहला गाना था? देखिए सबसे पहले तो मैं मेरा पहला ही एल्बम का सॉन्ग जो है कि अच्छा चला। हाँ, अच्छा रिस्पॉन्स आया। हाँ, भोला बाबा के जलवा चले बहनी मंदुला मिलतो गे, तो इस सॉन्ग से उतना पहचान नहीं पाया। हाँ, और लगातार 4-5 सॉन्ग गाए बढ़िया चला। हाँ, तो उस समय साथ में हमको पहचानना शुरू किया। तो वो सॉन्ग गाएंगे नहीं तो ऐसा हो ही नहीं सकता सर जी, आपको अभी गा के सुनाना पड़ेगा। हाँ दो लाइन सुना देगा। गाना है ऐसे, अरे की चढ़ल जवानी छोये बरो बनाइले तबे सुरतिया खिलतौ गे, आ भोला बाबा के जलवा चढ़े में तनी मन दुल्हा मिलतौ गे। और जब आप अपना फर्स्ट एल्बम लेके गए थे तो बोले कि फर्स्ट एल्बम का ही गाना अच्छा बजाओ, तो वो कौन सा गाना था? हाँ यही जो अभी गाकर गाते हैं। और इससे तो बोले कि आपको इतना पहचानना मतलब इतना पहचान नहीं बना, तो कौन सा ऐसा गाना था जिससे आपका बहुत ही ज्यादा पहचान बना? उस समय से गाते गए और लगातार उसी सॉन्ग के तरह हर सॉन्ग चलना शुरू हुआ, तो मार्केट में आया सब सॉन्ग तो आप ऑटोमेटिक सब नहीं, फिर भी एक होगा ना कि आप कि ये गाना, हाँ भाई उस टाइम अगर नहीं बजा रहा था तो फिलहाल मैं अभी इस मुकाम पे नहीं होता, तो एक ऐसा कोई गाना है तो रख लीजिए ना, वही गाना फर्स्ट वाला। और मेरे को वो भी गाना अच्छा लगा है, प्लास्टिक बोरा वाला वो भी गुनगुनाना पड़ेगा आपको? नहीं थोड़ा देखिए उसमें थोड़ा है, उस सबसे थोड़ा मोड़ा हो जाता है तो उसके लिए सॉरी, दूसरा सॉन्ग कोई गा देंगे तो गाइए कोई नहीं। हाँ तो और आप बहुत सारा अभी भी मेरे BNS एंटरटेनमेंट चैनल का नाम है, वहाँ से भी लगातार आ रहे हैं, होली सॉन्ग हो जो भी हो यानी कि जितना भी सॉन्ग गाते हैं और उस चैनल से आता है तो उस चैनल पर खुद ही जाकर देख सकते हैं। मैं आपसे ये भी पूछना चाहूंगा, आप अपने छोटे गाँव से हो के आपको लाखों करोड़ों लोग चाहते हैं, तो वो आपको क्या महसूस कर रहे हो, क्या फील कर रहे हो? बहुत बढ़िया, बहुत छाती चौड़ा हो जाता है तो ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए और भी कुछ आएगा तो उन जो आपको सपोर्ट करता है, लाइक करता है, प्यार करता है, आपका फैन है जो भी, तो थोड़ा उन फैन के लिए भी गुनगुनाइए ना। आप सिंगर है, एक दो गाना गुनगुना के भागेंगे ऐसा होगा ही नहीं, मैं करीब 10 गाना सुनूंगा आज कोई नहीं यूट्यूब पर सर्च करके सुन लीजिए। नहीं आप लाइव में जो गाओगे ना वो कुछ अलग ही मजा आएगा। एक हम बहुत पारंपरिक सॉन्ग गाए थे, भक्ति सॉन्ग, वो थोड़ा गाते हैं और सुनाते हैं। सॉन्ग था कि हे मैया
ये गो बेटा के बिना लोग बजिनिया कहै छे। ये देवी माई का सॉन्ग है, यानी कि हर पंडाल में देखे बजा है, काफी अच्छा रिस्पॉन्स आया। सही है। और जब स्टार्टिंग में आप ठान लिए थे, मान लिए थे कि सिंगर बनना है, उस टाइम आपका फैमिली का क्या सपोर्ट रहा? उस टाइम तो डंटा लेकर रह पड़ता था सच में। अभी क्या खुश है? क्या हाँ अभी खुश है तो उनके लिए क्या बोलना चाहेंगे? बस ऐसे ही खुश रहे। हाँ। और हम लोग से और आपके जो भी फैन है उनसे आगे आने वाला क्या चीज है, कौन सा प्रोजेक्ट है? नहीं है वो थोड़ा उस प्रोजेक्ट के बारे अपडेट दे देंगे तो सही रहेगा। इसके लिए आप BNS एंटरटेनमेंट सब्सक्राइब कर लीजिए, उस पर हर दिन नया अपडेट होते रहते हैं। कहीं ना कहीं आप बहुत ही आपका फैन फॉलोइंग हो चुका है, तो कहीं ना कहीं आप ये नहीं सोचते कि मिथिलांचल में पिक्चर आ जाना चाहिए, मुझे मूवी करना चाहिए, ये माइंड में आ रहा है कुछ भी? हाँ, और इस पर काम शुरू है, जारी है, बहुत जल्द आने वाला है, तो करेंगे, सब कुछ करेंगे। सच में करेंगे ना? जरूर। और जो आपके जैसे लाखों करोड़ों लोग चाहते हैं कि मेरे को बंसीधर बनना है, बंसीधर चौधरी बनना है, सिंगर बनना है, इनके जैसे सब कुछ करना है, तो उन सिंगर को लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? उन सिंगरों को मैं यही कहूंगा कि अगर आप अच्छा गाते हैं, आपको लग रहा है कि हम इस चीज से कामयाब हो जाएं, तो आप कीजिए, इसमें कोई इतराज नहीं है। और जो भाई का उतना मतलब नहीं गा पा रहे हैं, उसके लिए यही कहेंगे कि खर्चा यानी कि गलत नहीं करना चाहिए ना। सही है। तो आपका फेवरेट सिंगर कौन है अपने मिथिलांचल में? बहुत माने कि जो भी पहले बिहारी भैया, छेला बिहारी भैया थे, सुनील छेला बिहारी भैया, दिलीप दरभंगिया भैया थे, ये सब पुराना सिंगर, ये सब कुछ सुनते हैं बचपन से, और उन्हीं के सीखते आज हम भी गा रहे हैं। तो फिलहाल अभी होली का टाइम है और होली वाला गाना आप नहीं सुनाएंगे तो ऐसा नहीं है ना, आप ये मत बोलिएगा BNS पे जाके लाइव सुनाना पड़ेगा आपको। एक्चुअली रिलीज वही से है, वही सुना रहे हैं। तो सॉन्ग का टाइटल है के रंग तो लहंगा तोर की रंग तो चुनी। हे गई जहान के रंग तो लहंगा तो हर के रंग तो चुलिया के करा से खेला में तू होलिया गे जा। और ये गाना कौन लिखा है? ये हमारे अंकित बाबू, मनीष माहिया जी, सोनू जी, यानी कि सब कोई मिलकर। तो उन भाई लोग के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसे ही लिखते रहें और अपना प्रोसेस आगे बढ़ाते रहें। और लास्ट टू लास्ट मैं पूछना चाहूँगा, अपने मिथिलांचल को इस फील्ड में कहाँ तक लेकर जाना चाहते हो और कहाँ तक देखना चाहते हो? बहुत ऊपर ले जाएंगे और बहुत ऊपर तक देखेंगे, जिस तरह से आप सब सपोर्ट कर रहे हैं ऐसे करते रहिए, काफ़ी दूर तक लेकर जाएंगे। अब हम नहीं लेकर जा रहे हैं, वो सब आप लेकर जा रहे हैं, और आप ही का ये सब रास्ता है, आप जहाँ तक हमको ले जा सकते हैं, ये सब आप ही का दुआ है। और कहीं ना कहीं मैं पूछना चाहूँगा आपको कि कोई भोजपुरी इंडस्ट्री से आएंगे, आपको बोलेंगे कि मैं आपको भोजपुरी गावाना चाहता हूँ, आप मैथिली नहीं गाओ, तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए सबसे बड़ी बात है कि अपना भाषा है, अंगिका मैथिली तो गाता ही है, और भोजपुरी भी गाए सब अपने, भोजपुरी एक गाना सुने होंगे कि अपना राजा जी के पाजा में सुताएंगे, हर जहिए में जहर बिताएंगे, तो सब जो यानी कि भाषा मिलजुल कर गाते हैं तो चलता है अच्छा, भोजपुरी भी चलाए हैं, गाए हैं वो भी चला। तो और एक भोजपुरी गाना गा के सुना दीजिए ना। उतना तो नहीं गाए, मानी जो गाए वो आपको सुना दिए। तो चलिए भोजपुरी नहीं सुनाएंगे तो मेरे को मन नहीं भरा, आपके बहुत ही दिल चाहता है कि मैं सुनूं, पर्सनली जनते तो चाहते ही होंगे, और एक दो गाना सुनाएंगे तो मजा आएगा, जो आपका बहुत ही आपका गाना आपका फेवरेट सुनाइए, जो आपका गाना आपको ज्यादा पसंद आया हो। वो आपने बोली है, हमको सब, मैं तो बहुत सारे गाना सुनता हूँ, आपका होगा ना कि आपका फेवरेट, मैं तो ऐसे आपका एक ब्रांड के नाम से जाने जाते हो, यूट्यूब पे डालते हो, एक दिन में ही 10 लाख 20 लाख सोचते ना, फिर भी आपका फेवरेट सुनाइए ना। एक सॉन्ग गाए हैं यानी कि यही पिछले महीना, कि एक गो दिल पर दूध गुजा के करा रखिए हो भगवान, बहुत अच्छा सॉन्ग। और लास्ट टू लास्ट में क्या कहना चाहेंगे? लास्ट लास्ट में यही कहेंगे, ये चैनल को आप सब सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और ऐसे इंटरव्यू देखते रहिए, अपने छोटे भाई को बहुत सारा प्यार आशीर्वाद दीजिए, ताकि ऐसे गाते रहें, बजाते रहें, आप सबको मनोरंजन दिलाते रहें। तो बस मेरे को ही
थोड़ा ये फील हो रहा है कि बहुत ही छोटा इंटरव्यू होना। देखते हैं, कमेंट कीजिए नेक्स्ट टाइम। आप लोग अपना राय विचार डाल दीजिए कि ये क्वेश्चन पूछना है, ये पूछना है, नेक्स्ट टाइम मिलेंगे तो फिर से बना लेंगे, ये वीडियो यहीं खत्म किया जाए। तो आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो का लाइक करो, शेयर करो। फिर मिलते छोटे से वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय किसान, जय जवान, जय मिथिला, जय मैथिली।